विलियम विंस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को क्लासिकल फिजिक्स पर बेस्ड अपने डिस्प्लेसमेंट लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन इस लॉ से नेचर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वांटम मैकेनिक्स के इस वीडियो में हम विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के एप्लीकेशन के तौर पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी कोई रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो तीन फिनोमिना पॉसिबल हो सकते हैं, या तो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर ट्रांसमिट हो जाएगी। यहाँ हम रेडिएशन के ट्रांसमिशन की बात करेंगे। जब भी कोई रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है तो उस ऑब्जेक्ट से होकर रेडिएशन का ट्रांसमिशन होगा या नहीं, यह उस रेडिएशन की वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग पर डिपेंड करता है। अगर रेडिएशन की वेवलेंथ मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग से कम है तो रेडिएशन ऑब्जेक्ट से होकर पास हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं, जैसे कि ग्लास। लेकिन अगर रेडिएशन की वेवलेंथ मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग से ज़्यादा है तो लाइट उस ऑब्जेक्ट से होकर पास नहीं हो पाएगी। एक नॉर्मल ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग इतनी होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजुअल रीजन या उससे कम वेवलेंथ की रेडिएशन तो पास हो सकती है, लेकिन इंफ्रारेड या इससे अधिक वेवलेंथ की रेडिएशन को ये ब्लॉक कर देती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हम जानते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है तो वह ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करती है। इस रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व यह बताता है कि किसी ब्लैक बॉडी से रेडिएट होने वाली रेडिएशन की डोमिनेंट वेवलेंथ उस बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जिसे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से समझा जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उस ब्लैक बॉडी से रेडिएट होने वाली रेडिएशन की डोमिनेंट वेवलेंथ उतनी कम होगी, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो उससे ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होंगी। हमारे सन का सरफेस टेम्परेचर लगभग 5700 केल्विन है। इतने अधिक टेम्परेचर की वजह से इससे एमिट होने वाले रेडिएशन की वेवलेंथ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यह रेडिएशन आसानी से ग्लास से होकर गुजर जाती है। जब यह रेडिएशन ग्लास से होकर अंदर आती है तो अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे उनका टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन बहुत कम, लगभग रूम टेम्परेचर जितना, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन। रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ये ऑब्जेक्ट खुद भी ब्लैक बॉडी की तरह रेडिएशन एमिट करने लगते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होने की वजह से विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये जो रेडिएशन एमिट करते हैं उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जो ग्लास से होकर गुजर नहीं पाती और अंदर ही कन्फाइंड होती रहती है, जिससे अंदर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसी इफेक्ट की वजह से ठंडे प्रदेशों में ग्लास के घर बनाए जाते हैं, ताकि बाहर का टेम्परेचर कितना भी कम क्यों ना हो, घर के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे। अर्थ का एटमॉस्फेयर भी एक बड़े स्केल पर ग्रीन हाउस का काम करता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर को सन से आने वाली रेडिएशन पास तो कर पाती है, लेकिन अर्थ से रेडिएट होने वाली रेडिएशन इसे क्रॉस करके वापस स्पेस में नहीं जा पाती, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। इस तरह जहां एक तरफ ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए अच्छा है, वहीं दूसरी तरफ एटमॉस्फेयर में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से यही हमारे लिए हानिकारक भी है।